हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निशा फैशन लवर्स। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ पॉकेट प्लाजो और लाइनिंग यानी कि अस्तर वाले प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से पॉकेट प्लाजो बना सकते हो। पॉकेट की स्टेप बाय स्टेप कटिंग स्टिचिंग सब कुछ बताया गया है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 मीटर सिल्क फैब्रिक और 2 मीटर लाइनिंग यानी कि अस्तर का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिल्क फैब्रिक को 4 फोल्ड में इस तरह से सेट कर रख लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लगाने वाले हैं बेल्ट का मार्जिन। बेल्ट हम इसमें अलग से लगाने वाले हैं, तो इसलिए जो बेल्ट हम इसमें अलग से लगाएंगे उसमें 1/2 इंच का मार्जिन दबाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन का निशान लगा दिया है। अब हम इसको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे और ये मार्जिन हमारा कहीं भी काउंट नहीं होगा, लेंथ में, आसन में, कहीं भी नहीं। तो चलिए अब हम अपने जो प्लाजो की लेंथ है वो लगा लेते हैं। तो जो 1/2 इंच हमने निशान लगाया था उसी पर हमें रखकर अपने प्लाजो की लेंथ लगानी है। तो यहाँ पर मेरी लेंथ है 36, 2 इंच मैंने ऊपर बेल्ट का निकाल दिया है और 1.5 इंच तक का मार्जिन मैंने इसमें नीचे फोल्ड करने के लिए रखा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा जितना भी आप लेंथ पहनते हो। तो यहाँ पर हमने जो लेंथ थी उसको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी जो प्लाजो की लेंथ थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम लगाएंगे प्लाजो की विड्थ यानी कि चौड़ाई कितनी रखनी है। तो ये चौड़ाई हमारी हिप के अकॉर्डिंग होती है। तो हिप है यहाँ पर 40, उसका 4 पार्ट आया 10 और मैंने यहाँ पर 3 इंच तक की लूजिंग ऐड किया। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे आसन के लिए जो लाइन हमें लगानी है उसका निशान। तो जितना भी आपका हिप होगा उसको भी 4 से डिवाइड करके उसमें 4 इंच तक की लूजिंग ऐड करनी होती है। तो 10 में 4 इंच ऐड किया तो आया 14। तो इस तरह से अब हमें 14 इंच का निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। इस तरह से स्केल से स्ट्रेट लाइन हमने लगा दिया और इस लाइन की जो चौड़ाई हम रखेंगे, जितना हमने ऊपर 13 इंच रखा था उतना ही हम ये वाली लाइन भी 13 इंच रखेंगे। तो ये हमारी आसन की लाइन हो गई। इसको भी हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन से जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी आसन की लाइन लग गई है। अब हमें आसन की शेप देने के लिए आगे की तरफ 2.5 इंच का निशान लगाना है। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो आप 3 से 4 इंच तक का भी निशान लगा सकते हो शेप देने के लिए। अब हम आसन की शेप देंगे और ये शेप बिल्कुल भी डीप नहीं होनी चाहिए। अगर ये शेप कि जो डीपनेस है वो ज़्यादा हो गई तो पहनने के बाद ना ये पैरों के बीच में से उठा उठा रहेगा, मतलब झोल आएगा। तो अब हम यहाँ पर बॉटम लगाते हैं। तो बॉटम यहाँ पे मैंने लगाए 13 और 2 इंच का मार्जिन रखा है यानी कि टोटल 15 इंच। तो चलिए जो हमने बॉटम लगाया था और जो आसन का निशान है उन दोनों को आपस में जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पर प्लाजो की जो मार्किंग थी वो कम्प्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब हम जल्दी से इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैंने इसमें आपको पॉकेट और लाइनिंग किस तरह से लगानी है दोनों ही चीज़ें बताई हैं। तो अब हम इसको दूसरी साइड से भी कट कर देना है, क्योंकि मुझे इसमें पॉकेट ऐड करनी है इसलिए मैं इसको ये वाली साइड से भी कट कर दूँगी। अगर आप इसको पॉकेट ऐड नहीं करनी है तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे प्लाजो की जो कटिंग है वो कम्प्लीट हो चुकी है और अब हम अपने अस्तर को भी कट कर लेंगे। तो अस्तर को हमने यहाँ पर 4 पार्ट में रख लिया है और जो सिल्क वाला फैब्रिक था उसी को रख के हमने कट कर दिया। लाइनिंग फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट किया है, अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास 4 सिल्क फैब्रिक हैं, 4 पार्ट और 4 पार्ट अस्तर वाले हैं। तो चलिए अब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को जो हमारा सिल्क फैब्रिक है उससे जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको जॉइंट कर दिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था लाइनिंग वाला साइडों से वो भी हमने कट कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पे इनके आसन जॉइंट करने हैं इस तरह से और दूसरा पार्ट का भी हम आसन जॉइंट कर लेंगे। चलिए फिर इन दोनों के आसन जॉइंट करके मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर हमने इनके आसन जो है वो जॉइंट कर दिए हैं।
तो दोनों ही पार्ट के आसन ज्वाइंट कर दिए हैं। तो यहाँ पर अब हमें प्लाजो में पॉकेट अटैच करनी है। तो पॉकेट की जो लेंथ हमने रखी है 14 और विथ हमने रखी है 13 इंच। इस तरह से हमारी पॉकेट डबल में तैयार होगी। तो यहाँ पर हमें प्लाजो को राइट वाली साइड से रखना है, राइट वाली साइड ऊपर की साइड पर आनी चाहिए। उसके बाद जो पॉकेट है उसको भी हम यहाँ पर इस तरह से लेंथ में रखेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें ऊपर की साइड से 1/2 इंच का निशान लगाना है। 1/2 इंच के नीचे से अब हमें यहाँ पर 6.5 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद हमें फिर इसे 1/2 इंच का निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। तो लाइन लगाने के बाद हमें इस तरह से इसको जॉइंट करना है। तो यहाँ पर हमने जो पहली सिलाई लगानी थी पॉकेट में वो लगा दी है। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, जो हमने सिलाई लगाई थी उससे 2 पॉइंट नीचे की तरफ एक कट लगाना है और 2 पॉइंट ऊपर की तरफ एक कट लगाना है। याद रहे ये पॉइंट सिलाई से नीचे की तरफ लगने चाहिए कट जो है, 2-2 पॉइंट के, और ऊपर वाली साइड पे सिलाई से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हमारे जो कट हैं वो लग चुके हैं। तो इस तरह से उठा के हम पॉकेट को अंदर की तरफ पलट देंगे। इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से आई है। अब हम इसको इस तरह से उठा के फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे, और जो ऊपर वाली सिलाई वो बाहर की तरफ निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इसको सिल दिया है। जो कॉर्नर वाली साइड सिलाई लगाई थी हमें यहाँ पर इसमें छोटा सा कट लगाना है। तो चलिए हम अपने पॉकेट को सीधी साइड पे पलट देते हैं। पॉकेट जो है वो स्टिच कर देनी है। इस तरह से करनी है। ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमें ऊपर वाला जो फैब्रिक है इसको एक बिल्कुल बराबर रखना है इस तरह से, और ये सिलाई हमें इस तरह से सीधी लगानी है। लेकिन पॉकेट नहीं सिलनी, याद रहे, अगर पॉकेट सिल दी तो पॉकेट बंद हो जाएगी। पॉकेट नहीं सिलनी, सीधी सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आना है, और जो ये पॉकेट का जो कपड़ा है नीचे की तरफ इसे भी नहीं सिलना, इसे भी बाहर की तरफ निकाल देना है। मैं एक बार आपको उल्टी साइड से दिखा देती हूँ। ये तो इस तरह से ऊपर वाले कपड़े को हमें स्ट्रेट रखना है, सीधी सिलाई लगानी है। सीधी सिलाई लगा के जो पॉकेट है उसको थोड़ा पीछे की तरफ खिसका के एक सीधी सिलाई लगा देनी है, और ऊपर से भी हम इसको सिल देंगे। तो ये वाली जो पॉकेट है ये हमने सिल दी है। ये वाली साइड देखो ओपन है पॉकेट, ये हमारी पॉकेट है तो ये ओपन रहेगी, इसको बिल्कुल भी मत सिलना वरना पॉकेट बंद हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छे से हमारी पॉकेट यहाँ पे प्लाजो के साथ अटैच हो गई है। आप इसमें अपना फ़ोन या फिर कोई छोटा सा वॉलेट कार्ड वगैरह आराम से रख सकते हो। पीछे की तरफ से मैं दिखा देती हूँ, ये पॉकेट कुछ इस तरह से आई है हमारी। पॉकेट पीछे खिसका कर ही सिलाई लगाइएगा आप, पॉकेट को प्लाजो के साथ अटैच मत करना, पीछे खिसका के उसके बाद सीधी सिलाई लगाना। तो चलिए हम जो प्लाजो का दूसरे वाला पार्ट था उसको जॉइंट कर देते हैं।
इस तरह से उसको एकदम बराबर रखना है। पॉकेट नहीं सिलनी, पॉकेट पीछे की तरफ कर देनी है। जो मार्जिन है उसको सिलना है सिर्फ, इस तरह से सिलना है। और जो नीचे की पॉकेट है इसको भी पीछे की तरफ निकाल के पूरी सिलाई लगा देनी है। और दूसरी साइड भी हमें सेम इसी तरह से सिल देना है। तो मैंने भी यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड सिलाई लगाई है आपको बताने के लिए पॉकेट किस तरह से सिलनी है। तो इस तरह से पॉकेट हमारी सीधी साइड तैयार रहेगी। ये हमारा पॉकेट है, इसको ध्यान से बिल्कुल भी मत सिल देना वरना पॉकेट बंद हो जाएगी। तो इतना हिस्सा हमारा ओपन रहेगा पॉकेट का। और पीछे से भी हमने इसको प्लाजो के पीछे सिलानी है, बिल्कुल अलग रखा है। तो अब चलिए दूसरी वाली साइड से भी सिलाई लगा के हम इसको जॉइन कर देते हैं। यहाँ पर हमारी प्लाजो की दोनों साइड जॉइंट हो चुकी है और हम इसके यहाँ पर बॉटम फोल्ड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीधी साइड पर 1.5 इंच का निशान लगा लेना है पूरे प्लाजो में, इस तरह से। तो निशान लगाने के बाद एक लाइन बना देंगे हम इस तरह से। हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और सिल देंगे। दूसरे वाला बॉटम भी सेम इसी तरह से तैयार करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसकी फिटिंग लगाते हैं बॉटम तैयार करने के बाद। तो हमारी जो प्लाजो की फिटिंग थी बॉटम की वो थी 13 इंच। उस शेप वाले स्केल से हम इसे ज्वाइन करना है। उससे पहले हमें आसन पर भी 1/2 इंच निशान लगा लेना है, इस तरह से। यहाँ पर 1/2 इंच निशान लगा देंगे और अब हम दोनों निशानों को जॉइंट कर देंगे। और सेम दूसरे वाले जो प्लाजो की साइड है उस पर भी हमें सेम इसी तरह से लाइन लगा लेनी है। फिटिंग को हम सिल देंगे। तो यहाँ पर हमने प्लाजो की फिटिंग लगा ली है। एक बार आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे प्लाजो की जो फिटिंग है वो हो चुकी है। अब हमें इसमें बेल्ट जॉइंट करनी है। तो चलिए बेल्ट लगाते हैं। तो मैंने जो बेल्ट की लेंथ ली है वो ली है 5 इंच और 2 इंच की वो तैयार रहेगी। और इसकी जो चौड़ाई यानी कि विड्थ रखनी वो रखनी है प्लाजो के अकॉर्डिंग। बस सिलाई मार्जिन के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पर हम इसको साइड से सिल देंगे। तो साइड से सिल दी हमने यहाँ पर ये। तो साइड से सिलने के बाद हमें इसे प्लाजो में अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने प्लाजो भी सीधा साइड रखा है और बेल्ट भी। तो बेल्ट को इस तरह से प्लाजो के अंदर की तरफ रख के राउंड में सिल देंगे पूरे को। तो यहाँ पर हमने बेल्ट को अटैच कर दिया है प्लाजो से। अब इस तरह से इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे इलास्टिक के लिए। यहाँ पर ये सिले गए, थोड़ा सा स्पेस हमने इसमें लास्ट के लिए छोड़ दिया। तो जितना भी आपका कमर होता है उसमें से 3 इंच माइनस करने के बाद आप अपनी लास्टिक रखिएगा। तो यहाँ पर 34 था, मैंने उसमें से 3 इंच माइनस किया तो 31 लास्टिक रखी। आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, बस 3 इंच माइनस कर दीजिएगा कमर से। तो लास्टिक हमने यहाँ पर लगा दी। लास्टिक के बीच में भी मैंने एक सिलाई लगा दी जिससे कि पहनने के बाद लास्टिक पलटे ना अंदर की साइड से। तो यहाँ पर हमारा पॉकेट और अस्तर वाला प्लाजो बनकर रेडी है। आप देख सकते हो हमारी पॉकेट है, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से हमने लगाई है। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।